और मारमेड भी छड़ी को फंसके पकड़ लेती है। फिर गीद और बाज मारमेड को लेकर उड़ जाते हैं। गहरे समुंदर में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज का एक मछुआरा जहाज के डेक पर खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो दूरबीन से देख रहा था तब उसने देखा कि एक सीगल बच्ची का पैर मछली पकड़ने का जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रहा है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। तभी वहाँ एक मारमेड आती है। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। ठीक उसी वक्त मछुआरा की नजर मारमेड पर पड़ता है। अरे ये तो एक मरमेड है, और मैंने सुना है कि ये मरमेड जहाँ रहते हैं उस जहाँ को सजाने के लिए ये मरमेड बहुत सारे मनी हीरे मोती जमा करके रखते हैं। मैं जल्दी से सब मरीन लेके उसका पीछा करता हूँ। फिर मछुआरा ने अपने साथी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद मारमेड का पीछा करने चला जाता है। और मारमेड का पीछा करते हुए समुंदर के नीचे जाके देखता है कि मारमेड एक सुंदर बिस्तर पर बैठी है। तभी मछुआरे ने दूर से ही एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर लौट आते हैं। फिर इसके बाद मारमेड को जाल में बंदी बना के दोनों मछुआरे मिलके मारमेड को घर ले जाते समय सीगल उसे देखता है। तभी अरे ये क्या, मेरे दोस्त मरमेड को वो दोनों मछुआरे ने पकड़ लिया है। मरमेड आज सुबह ही मछली पकड़ने की जाल काट कर मुझे बचाई थी और अब वो खुद मछुआरे के जाल में फंस गया है। हाँ, मुझे उसको बचाना चाहिए और इसलिए मुझे बाकी पंछियों से मदद लेना होगा। फिर सीगल जंगल की तरफ चला जाता है और पक्षियों के झुंड में जाके पूरी घटना बताता है। तभी तोता कहती है, तुम चिंता मत करो सीगल, मारमेड तुम्हें बचाई यानी हमारे दोस्त को बचाई, तो उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तभी मैकाउ ने कही, तुमने बिल्कुल ठीक कहा तोता, हम सब सीगल के साथ है, लेकिन मरमेड है कहाँ, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तभी मोर कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब। हाँ हाँ चलो चलो, हम सब चारों ओर अच्छी तरह से देखते हैं। फिर कौवा, मोर, तोता, मैकाओ, मुर्गा, बाज, गीद सब मिलके मारमेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मारमेड का कोई आता पता नहीं मिलती। तभी सब लौट आते हैं। फिर सीगल से बाज ने कहा, नहीं भाई सीगल, हमें तो मारमेड कहीं नहीं दिखी। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी नहीं दिखा। तभी मोर कहता है, लेकिन हम सब चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। गिर जी, आप ही कुछ कीजिए ना। मुझे लगता है कि केवल फूल परी ही हमें इस समस्या का कोई उपाय बता सकता है। तो फिर ठीक है, चलो हम सब फूल परी के पास चलते हैं। इसके बाद सब मिलके फूल परी के पास जाते हैं और वहाँ जाके तोता कहती है, फूल परी, फूल परी, फूल परी, तुम कहाँ हो? क्या बात है तोता, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? हमारी दोस्त मरमेड को दो मछुआरे ने पकड़ कर ले गया है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मरमेड को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ। इसके बाद सब फूल परी के साथ जाते हैं और फूल परी एक शांत जलाशय के पास
रुकती है, फिर अपनी जादू की छड़ी को स्पर्श करती है। तभी पानी की तरफ देख के कहती है कि मरमेड को उस दोनों मछुआरे ने एक बड़ा सा कांच के जार में बंदी बना के रखे हैं, और वो दोनों जब मरमेड को पकड़ने गए थे तब वहाँ से बहुत सारे हीरे, मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न लेकर आए थे। अब वो दोनों ने मरमेड को कह रहा है कि सुनो जलपरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खोज है, हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो। तुम भूल कर रहे हो, ऐसे कोई जगह नहीं होती, बस मुझे जितना मिला था वो तुम लेकर आए हो, अब छोड़ दो मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगे तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेचकर हम बहुत माल कमा सकते हैं, समझी? उन्होंने मरमेड को बेच देने की धमकी दे रहे हैं, और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में मरमेड को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। फिर तो कल ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर कौवा ने बोली, मेरे दिमाग में एक विचार आई है, अगर तुम सब राजी होते हो तो ही वो हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी मुर्गा ने बोला, हाँ हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं, बोलो क्या करना है। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर कौवा ने पूरा प्लान बताता है, और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पंछी मिलकर बाजार के पास एक बड़ा सा पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों मछुआरे ने मरमेड को लेकर वहां पहुंचते हैं। इसके बाद प्लान ए अनुसार सबसे पहले सीगल मरमेड के पास जाता है और मरमेड कैसी हो तुम? तुम कैसे हो सीगल? मैं ठीक हूँ। सुनो मरमेड, हम सब पंछी मिलके तुम्हें बचाने आए हैं। बाज और गिर्द एक छड़ी लेकर आएंगे, तुम्हें सिर्फ उस लकड़ी की छड़ी को कस के पकड़नी होगी, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ये कह के सीगल चला जाता है। फिर कौवा के कहने पर प्लान बी अनुसार मोड़ जाके दोनों मछुआरे के सामने एक पेड़ के नीचे पंख फैला के नाचने लगता है। तभी अरे ये मोर कहाँ से आ गया, कितना सुंदर है ना? और प्लान सी अनुसार मैकाओ और तोता जाके उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तूने देखा मैकाओ, मोर का पंख कितना सुंदर है और कितना सुंदर से नाच रहा है। हाँ तोता, तूने बिल्कुल ठीक कहा, ये नाच देख के मेरा तो दिल भर गया रे। अरे ये क्या, बोलने वाला तोता और मकाओ। अरे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है भाई, अब इस मोर को, तोता को और मकाओ को पकड़ूंगा और बेच भी दूंगा। हाँ हाँ, तू जाके मोर को पकड़, मैं जाके उस तोता और मकाओ के ऊपर जाल फेंकता हूँ। फिर दोनों मछुआरे ने उन तीनों पंछियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे की तरफ प्लान डी अनुसार गिद्ध और बाज एक लकड़ी की छड़ी लेकर मरमेड का जार के ऊपर पकड़ते हैं, और मरमेड भी छड़ी को कस के पकड़ लेती है। फिर गिद्ध और बाज मरमेड को लेकर उड़ जाते हैं। तभी प्लान ई अनुसार मुर्गा चीख कर इशारा कर देता है, कुकुरुकू, भाग जा मोर, भाग जा, हम भी भाग रहे हैं। फिर तोता, मैकाओ, मोर सब एक साथ भाग जाते हैं और सीधा समंदर के किनारे पहुंच के मरमेड को पानी में छोड़ देते हैं।
तभी मार्मेट कहती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मेरी जान बचाई, मैं आप सबका सदा आभारी रहूंगी। हम तुम्हारे मित्र हैं और मित्रों का कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने मित्रों को रक्षा करें। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा दोस्तों। अलविदा मार्मेट, अपना ख्याल रखना। फिर मार्मेट वहाँ से चली जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में लौट जाते हैं। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नए मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।